पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सहारे अब तक थे, लेकिन अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक और अध्याय जुड़ जाएगा जब आज पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की सौगात के तौर पर प्रधानमंत्री आज पुणे वासियों को देने वाले हैं। और ये वो प्रतिमा जिसका कि प्रधानमंत्री अनावरण करने वाले हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा, 9.5 फीट ऊंची ये प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की। वज़न की बात की जाए तो इस मूर्ति का वज़न 1850 किलोग्राम इसका वज़न है और इसे गन मेटल से तैयार किया गया है। तमाम गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद, प्रधानमंत्री अनवेल करते हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि हम बता रहे थे कि शिवाजी महाराज की एक बहुत ही खास विशेषता, जिसमें कि एक अच्छी संगठन शक्ति का की बात की जाए या फिर एक मार्गदर्शक की बात की जाए, उन तमाम क्षेत्रों में शिवाजी महाराज का जो एक योगदान रहा है समाज के लिए, उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण। और इसलिए भी उनकी इसी विशेषताओं को, उनकी इसी महानता को ध्यान में रखते हुए आज इस 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें प्रधानमंत्री छत्रपति शिवाजी महाराज की इस प्रतिमा का अनावरण करते हुए। और ये वो तस्वीर, भव्य तस्वीर, प्रधानमंत्री पुष्पांजलि माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर। 9.5 फीट ऊंची गन मेटल से तैयार ये मूर्ति ये बनाई गई है। न सिर्फ महाराष्ट्र और पुणे के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बहुत ही गौरव का पल, गौरव के ये क्षण। और तमाम जो वहाँ पे डिग्नेटरीज मौजूद हैं, गणमान्य लोग मौजूद हैं, वो सभी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर। और जो एक संगठन शक्ति की बात मैं कर रहा था, क्योंकि आज के दिन ये जानना हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन तस्वीरों के पीछे की जो कहानी है, जो समझ है, उसे और भी दुरुस्त किया जाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठाओं को इकट्ठा करके उनकी शक्ति को एकजुट करने का काम किया था और एक महान मराठा राज्य की उन्होंने स्थापना की थी एक अच्छे संगठन शक्ति के तौर पर। और आज भारत जो कि विविधताओं से भरा देश है और उसके नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एकजुट और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में लगातार अग्रसर हैं, ये सारी चीज़ें बयां करती हैं। मार्गदर्शक के तौर पर जब जाना जाता है तो उन्होंने मुगलों के राज्य में एक साम्राज्य स्थापित करने वाले, वो एकमात्र राजा थे हिंदू साम्राज्य स्थापित करने वाले। और न सिर्फ उन्होंने मराठाओं को बल्कि जो तमाम भारतवंशी हैं, भारतवासी हैं, उनको भी एक नई दिशा और दिशा दिखाने का काम किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और जब भी हम उनका नाम लेते हैं, दिमाग में एक ऐसे साहसी पुरुष की छवि बनती है जो युद्ध कौशल की बात की जाए तो उसमें पूरी तरह से पारंगत थे। और न सिर्फ वो युद्ध कला में बल्कि एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार के रूप में भी वो जाने जाते थे। और मराठा साम्राज्य वहाँ पे देखिए, यहाँ तमाम जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी उनका हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। और ये परिसर पुणे नगर निगम परिसर, और यहाँ पे आपने देखा
अब से कुछ देर पहले उन्होंने शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है उनका उन्होंने अनावरण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज, और जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि बहुत ही कुशल रणनीतिकार, प्रशासनिक क्षमता, भारतीय शासक, मराठा साम्राज्य को एकजुट करने और उसे महान बनाने में जिसे एक व्यक्ति का हाथ, वो छत्रपति शिवाजी महाराज। किसानों की बात हो, जमींदारी प्रथा को हटाने की बात हो, सरदेशमुखी और चौथ की बात हो, इन तमाम चीज़ों में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। और ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी सीमा तक दक्षिणी राज्यों की व्यवस्था पर भी आधारित थी और उन्होंने मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था के भी उस पर कुछ छाप दिखती थी, नज़र आती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की बात की जाए तो भू राजस्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक मसला हुआ करता था, उसमें भी उनकी खासी दखलंदाजी। तो ये आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री पुणे नगर निगम परिसर में मौजूद, आपने देखा आपसे कुछ देर पहले उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया, जो कि 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी ये प्रतिमा है और 9.5 फीट ऊंची है। इस वक्त तमाम लोग उनके साथ मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश, उनके साथ एक सेल्फी लेने की कोशिश। हमने अभी देखा जब वो वाराणसी में थे, जब रोड शो कर रहे थे, उस वक्त भी लोगों की दीवानगी प्रधानमंत्री को उनकी एक झलक पाने की, और यहाँ भी आप देख सकते हैं वही दीवानगी, वही लोगों के बीच पुणे के लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेताब, उनकी एक झलक पाने को बेताब, उनके साथ एक सेल्फी लेने को बेताब। विकास पुरुष के नाम से प्रधानमंत्री जाने जाते हैं और विकास के रास्ते पर देश, समाज, राज्य कैसे आगे बढ़े, निरंतर इस दिशा में सोचते रहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और विकास के लिहाज से आज का दिन महाराष्ट्र के लिए, पुणे के लिए बहुत ही गौरव का दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री और जो विकास